अस्सलामुअलैकुम। सुबह के 7 बजे का टाइम है और बारिश के एक बहुत ही लंबे स्पेल के बाद फाइनली अब मौसम थोड़ा साफ होना शुरू हुआ है। मैं आपको फोकस कर ये देखो, थल्लो पास के ट्रैक में कैंप्स के अंदर हमारी दूसरी रात सोते जागते ही गुजरी, जिसकी वजह से अब टीम का मोराल काफ़ी डाउन था और हमारे एक साथी ने तो वापस कुम्हराट जाने का फैसला कर लिया था। और अब जावेद भाई के साथ हम दो दोस्त ही आगे थल्लो पास के सफ़र की तैयारी में लगे हुए थे। नाश्ते की तैयारी के दौरान ही हमारी मुलाकात कुछ मुसाफिर बकर वालों से हुई जो कि थल्लो पास की तरफ ही जा रहे थे। उन्होंने हमारे साथ नाश्ता किया और टीम को आगे का सफ़र जारी रखने के लिए भरपूर हौसला भी दिया और आखिरकार टीम के सब मेंबर उनके साथ ही थल्लो पास की तरफ जाने को तैयार हो गए। मौसम भी अब साथ देने लगा था, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बाकी साथियों को आगे भेज कर मैं और जावेद भाई कैंप साइट क्लियर करने में लग गए। अच्छा जी, इस वक्त हम 4500 मीटर पे मौजूद हैं और सुबह का टाइम होने की वजह से बर्फ़ थोड़ी सख्त है और स्लोप पे हमको थोड़ा मसला हो रहा है। अब जाते हो नॉर्मल? अच्छा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रात को बादल थे और टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हुआ, इसीलिए कोहरा नहीं पड़ा, वरना ये वाला हिस्सा हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। हमने अब इस ग्लेशियर की बैक साइड पे जाना है और इस वक्त हम थल्लो पास की फर्स्ट लेक पे मौजूद हैं जो कि फुल जमी हुई है। अभी हमने शॉर्ट स्टे लिया था यहाँ पे, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मौसम का कुछ भी नहीं पता। ये है थल्लो पास का ग्लेशियर जो कि इस ट्रैक में हमारा हाईएस्ट पॉइंट था और यहाँ तक पहुँचने में हमको तकरीबन 4 घंटे से कुछ ज़्यादा का टाइम लगा है। लंबाई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमें इसके साथ साथ चलते हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये है इसका नॉर्दर्न पार्ट
और यहाँ बैक की थैलोसोम पीक भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी है। अच्छा जी, इस वक्त शाम के 6:15 हो चुके हैं और मसला ये है कि हमने प्लान किया था कि थैलोसोम पीक के बेस कैंप के पास ही कहीं पे कैंप लगाएंगे, लेकिन अब लगता है कि रास्ते में ही कहीं पे कैंप आएगा। थलो बेस कैंप से आगे उस दिन हमने 14 किलोमीटर का ट्रैक किया। बाकी दिनों के मुकाबले उस दिन का ट्रैक मुश्किल था, क्योंकि हमने 1000 मीटर तक की एलिवेशन हासिल करने के साथ ही तमाम दिन ग्लेशियर और बोल्डर्स पे सफर किया। हमारा उस दिन का स्टेप 4200 मीटर पे था। रोशनी ज्यादा कम होने से पहले ही हमने कैंप्स लगाए और शदीद थकन के बायस चाय बिस्किट खाते ही सो गए, और रात को टेम्परेचर नुकता इंजमात से कम होने की वजह से दोबारा उठ जाने की हिम्मत भी ना हुई। अच्छा जी, ये है थैलोसोम पीक का बेस कैंप, जो कि कैंप साइट से सिर्फ 45 मिनट के फासले पे था। यहीं पे हमने कल कैंप्स लगाने थे, और ये है थैलोसोम पीक। थैलोसोम पीक के बेस कैंप से आप आगे आए तो एक गौर जाता है, जिसके बाद वादी कुशादा होने के साथ ही दरिया का फैलाव वसी हो जाता है, लेकिन आसपास का इलाका गर्म, खुश्क और पथरीला है। इसी वजह से दोपहर से पहले ही हमारी टीम ट्रैक पे थकन का शिकार होना शुरू हो गई, लेकिन तभी हमारी नज़र बाएं जाने इस मंजर पे पड़ी।